इधर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 फरवरी को गढ़वा में होंगे, जहां शहर के डुमरो स्थित मैदान में जनसभा को वे संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शेखर जमुआर ने समीक्षा बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। ऑनरेबल सीएम यहाँ 10 तारीख को आने वाले हैं। उनका उनकी चिट्ठी कल आ गई है, हेडक्वार्टर से आ गई है और बेसिकली आ रहे हैं सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो अबू आवास योजना है, जिसमें 3 रूम्स का एंड किचन एंड 31 स्क्वायर मीटर का ये रहेगा। तो अच्छी खासी संख्या में हम लोग देने जा रहे हैं। 10,000 का हम लोग को लक्ष्य इस साल का मिला है और ये प्रमंडल स्तरीय ये कार्यक्रम होगा, जिसमें ऑल टुगेदर 30,000 लाभुक का यहाँ दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। उसमें पलामू से भी है, लातेहार से भी है, हमारे यहाँ से भी है। तो उसी की तैयारी में हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। डे इन डे नाइट हम लोग की पूरी मशीनरी लगी हुई है। प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जो योग्य लाभुक है उनको ही हम लोग पेमेंट करें। और चूंकि अगले 2 साल में हमको मिलाकर टोटल 40,000 लोगों को लगभग देना है, तो जो योग्य मिल रहे हैं उनको दे रहे हैं, उसके भी जैसे जैसे हमको मिला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन पहली बार गढ़वा आ रहे हैं और गढ़वा से ही पूरे पलामू प्रमंडल के जितने भी अबुआ आवास के लाभार्थी हैं उनको वो पहली किस्त का राशि प्रदान करेंगे। और इसको लेकर खास तौर पर वो कल आने वाले यानी 10 तारीख को आने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है, पूरे प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है ताकि उनके कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे यह मंच बनेगा और जहाँ से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अपना अभिवादन करेंगे, जिसमें कि सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए नया पदभार संभालने के बाद ये पहला आगमन जो है गढ़वा में हो रहा है। समाचार प्लस के लिए गढ़वा से मैं विनय पांडे।